वेलकम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज एक नया टॉपिक का वीडियो लेके आया हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे मॉडिफाइड टूल्स बार का कुछ टूल्स के बारे में, जैसे चैम्बर, फिलेट, स्ट्रेच, स्केल और लेंथर। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हमेशा शॉर्टकट की यूज कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ भी अगर ड्रॉ करना है हमेशा शॉर्टकट की कीबोर्ड से शॉर्टकट की इसी का यूज कीजिए, तो आपको इधर उधर ढूंढने का माउस का जरूरत नहीं होगा। फिलेट का शॉर्टकट की जो है एंटर। देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, मेरे को रेडियस लेना है आर एंटर, उसके बाद रेडियस मेरे से 5 मीटर लेना है तो 5 एंटर। फर्स्ट पॉइंट में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट इसलिए सिलेक्ट करना तो हो गया। फिलेट फिर से एंटर मारिए, अगर एंटर नहीं तो स्पेस कोई भी क्लिक कीजिए, सिलेक्ट फर्स्ट, सिलेक्ट सेकेंड, फिर से एंटर मारिए, फर्स्ट सेकेंड, फिर से एंटर मारिए, फर्स्ट सेकेंड। ये देखिए मेरा प्लेट बन गया। प्लेट का जो कोना जो है राउंड रहेगा। चैम्बर का क्या होता है, चैम्बर का स्ट्रेट होता है। जैसे चैम्बर भी बना के आप दिखाऊंगा, ये प्लेट हो गया, तो ऐसे करके प्लेट बना सकते हैं। चलिए इसको मैं चैम्बर में कन्वर्ट कर देता हूँ, बैक लेता हूँ कंट्रोल जेड, इसको चैम्बर लेता हूँ। नेक्स्ट में क्या है, चैम्बर है, चैम्बर का शॉर्टकट की शॉर्टकट क्या है, CH चैम्बर होता है। एंटर करता हूँ, इसका भी एंगल एंगल है, इसका रेडियस था, इसका एंगल एंगल ये लेता हूँ। एंटर, फर्स्ट लाइन कितना दूरी, फर्स्ट लाइन से कितना दूरी में आपको चैम्बर स्टार्ट करना है। जैसे मेरे को 5 मीटर से चैम्बर स्टार्ट करना है, तो चैम्बर एंगल एंगल मेरे से 45 लेना है तो 45। एंटर करता हूँ, फर्स्ट लाइन सिलेक्ट करता हूँ, सेकेंड लाइन सिलेक्ट करता हूँ, फिर एंटर मारता हूँ, फर्स्ट लाइन सिलेक्ट करता हूँ, सेकेंड लाइन सिलेक्ट करता हूँ, फिर एंटर लेता हूँ, फर्स्ट लाइन सिलेक्ट करता हूँ, सेकेंड लाइन सिलेक्ट करता हूँ, फिर एंटर, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन। स्ट्रेच, यानी कि स्ट्रेच है, स्ट्रेच का क्या काम, स्ट्रेच में क्लिक किया इसको, उसका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, फिर एंटर किया, एंटर किया, बेस को भी बेस पॉइंट, जैसे इस पॉइंट लिया, इस पॉइंट लिया, जहाँ मेरे को उठा के रखना है उठा के रखना। लेकिन आपको जो है ना ऑर्थो मोड को ऑफ रखना पड़ेगा। FN8 क्लिक करने से ऑर्थो मोड ऑन होता है, ऑफ भी होता है। ऑर्थो मोड ऑफ किया, देखिए स्टेज का टाइम जहाँ आपको लेके जाना है, जहाँ इसको लेके जाना है, जैसे मूव टाइप का काम, मूव जो कमांड है, मूव जो टूल है उसी का सेम बार बार ये काम कर रहा है। देखिए ले लिया, ये हो गया स्टेज का काम है। और एक स्टेज का एक काम है, जैसे एक लाइन लेता हूँ, जैसे एक लाइन लेता हूँ, इसको देखिए लाइन सिलेक्ट करने के लिए मेरे को ऑर्थो मोड फिर से ऑन करना पड़ेगा। ऑन किया, ये लाइन लिया, एंटर किया, तो इसको स्ट्रेच करना है। इसको स्ट्रेच करने के लिए क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद इसमें 3 पॉइंट आ रहा है। हर में देखिए क्लिक करने में कुछ पॉइंट आता है, इसमें 3 पॉइंट आया है। कौन पॉइंट को क्या नाम है, ग्रिप बोलता है, ग्रिप, इसको नाम क्या, ग्रिप। अगर इसको साइड भी अगर बड़ा करना चाहता है, छोटा करना, जो भी करना चाहता है, इसको भी बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे ग्रिप का साइड बड़ा करने के लिए आपको देखिए कीबोर्ड से ओपी लिखिए, ओपी एंटर मारिए, ओपी एंटर मारने के बाद देखिए जो ग्रिप आ गया सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन अगर नहीं खुलेगा तो आपको सिलेक्शन में जाकर क्लिक करके इसको देखिए साइज आप बड़ा छोटा जो भी बड़ा करना तो बड़ा हो जाएगा। जैसे बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कितना बड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा मेरे को अच्छा नहीं है, इसे कंट्रोल जेड मारता हूँ। ग्रिप किसी लाइन को अगर आगे खींच आगे बड़ा करना तो इसको ग्रिप में सीधा जाके माउस लेके जाऊंगा, लेकिन यहाँ दो ऑप्शन है, स्टेज और लेंथ। स्टेज का दिखा रहा हूँ, स्टेज में हम लोग स्टेज में चल रहे हो, इसलिए स्टेज में क्लिक कीजिए। उसके बाद लाइन को जितना मीटर आगे लेके जाना है, जैसे इधर से मेरे को 10 मीटर आगे लेके जाना है, तब 10 एंटर एंटर करूँगा तो देखिए 10 मीटर आगे चला गया लाइन, इस लाइन से मेरे को 10 मीटर आगे चला गया। लेंथ में क्या काम है, जैसे मैं एक लाइन लेता हूँ, ये लाइन में ये हॉरिजॉन्टल में लाइन लिया, मैं एक लाइन लेता हूँ एंगल में कर, जैसे ये लाइन में जैसे मैं एक लाइन लिया है, मैं चलिए एक लाइन लिया इधर करता हूँ, इसको रोटेट करना रहा है लाइन को, पहले रोटेट करता हूँ मैं, और एंटर इस लाइन को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया फिर एंटर, इधर से कितना डिग्री रोटेट, जैसे 45 डिग्री में रोटेट मार, ठीक है, इसको रोटेट किया। इसको अगर मैं जैसे ये लाइन को मैं आगे लिया, ये लाइन को स्ट्रेट कमांड का यूज करके मैं इसको आगे लिया, लेकिन इसको अगर स्ट्रेट कमांड यूज करूंगा देखो ये होता कि नहीं होता, चेक करके देखता हूँ। स्ट्रेच, देखिए स्ट्रेच कमांड का यूज कर रहे हो तो मेरा देखिए
ये एंगल बिगड़ जा रहा है, देखिए मेरा एंगल बिगड़ जा रहा है कि आगे तो आ जा रहा है एंगल बिगड़ जाता है, इसके लिए लेन देन यूज करना पड़ेगा। तो लेन देन जो है, लेन देन जो है कमांड है, ये लेन देन यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए लेन देन पहले इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ग्रीप ग्रीप है, ग्रीप में जाता हूँ, लेन देन में लेता हूँ, लेन देन में लेके जैसे मेरे को इधर की कितना, जैसे मेरे को 20 मीटर जाना है, जहाँ तक जैसे 20 मीटर जाना, जो भी जैसे मेरे इधर तक लेना है 100 मीटर लेना, 100 सेंटर। देखिए लाइन्स जैसे मेरा लाइन था, ऐसे लाइन एंगल था, एंगल में ही लाइन एक्सटेंड हो रहा है, एंगल में ही एक्सटेंड हो रहा है। नॉर्मल जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको स्ट्रेच कमांड से यूज करके एक्सटेंड कर रहा है, लेकिन इंक्लाइंड अगर लाइन को, ये जो लाइन है इंक्लाइंड है, एंगल में है, मतलब इंक्लाइंड लाइन है, तो इंक्लाइंड लाइन को अगर स्ट्रेच करना है, मतलब एक्सटेंड करना है, तो आपको लेन देन में क्लिक करके आपको उसको आगे लेना पड़ेगा। स्ट्रेच करने से लेन देन में क्लिक करके जितना अगर एक्सटेंड करना है तो उसको लेके जा सकता है। स्केल का यूज करने के लिए पहले मेरे को रेक्टेंगल लेना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल में ले लिया, बेस पॉइंट मेरे को जैसे रेक्टेंगल जो है 500 × 200 ये 500 हो गया मीटर, ये 200 मीटर हो गया, चेक कर लेता हूँ, 500 हो गया ये, उसके बाद 200 मीटर का रेक्टेंगल हो गया। फिर इस रेक्टेंगल का यूज करके मैं आपको दिखा रहा हूँ स्केल कमांड का क्या काम है। तो मैं इसको और एक कॉपी सिम कॉपी मान लेता हूँ, तो सी ओ सेंटर कॉपी, तो सिलेक्ट सेंटर, उसके बाद बेस पॉइंट इधर, ठीक है, चलिए स्टेप। तो ये 500 × 200 का मेरे रेक्टेंगल बना है, तो इसको मेरे को स्केल यूज करना है। तो स्केल में फर्स्ट स्केल में क्लिक किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, सेंटर, उसका बेस पॉइंट, कोई बेस पॉइंट क्लिक किया, उसके बाद मेरे को ये स्केल को, ये जो स्केल कमांड का थ्रू ये रेक्टेंगल को मेरे को कितना करना है, डबल करना है, ट्रिपल करना है, 4 × 5 × 6 × 7 × कितना गुना मेरे को करना है, और मेरे को 2 गुना करना है, इसका डबल करना है, तो इसको स्केल फैक्टर मांग रहा है। स्केल फैक्टर में तब क्या लिखूंगा, मैं 2 लिखूंगा, 2 लिख के एंटर, तो मेरा देखिए डबल हो गया। कैसे, मेरा कितना था, ऐसे में 500 था, ऐसे में 200 था, अभी मैं इसको चेक करके दिखा रहा हूँ, देखा ठीक है 1000 हो गया, और इसका एक्स 1000 हो गया, वाई कितना है, वाई मेरा कितना था 200 था, तो अभी देखिए 400 हो गया, डबल किया ना, देखिए 400 हो जाएगा, देखिए 400, इसका 2 गुना हो गया। तो स्केल का काम वही है, जितना गुना लेके जितना गुना उसको बढ़ाना है घटाना है, जैसे मेरे को इसको घटाना है तो इसको देखकर फिर से स्केल कमांड यूज करता हूँ, इसलिए स्केल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट एंटर, अभी मेरे को उसका आधा करना है, मतलब 0.5 एंटर, देखिए अभी जो था उसका आधा हो गया, 0.5 क्या मतलब आधा, चैम्पर फिलेट चैम्पर और स्केल और लेन देन, ये लेन देन और अपना को और लेन देन हो गया और अपना स्केल, इतना ही चीज हम लोग इस वीडियो में कवर किए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।